आपको ये मान लो कि एक डेढ़ महीने से छोड़नी पड़ेगी, दूध पूरा दुधारू है, दुधारू पशु है। देखिए ये बात तो हम तो जानते हैं लेकिन बहुत। नमस्कार साथियों, अक्सर हम कहते हैं कि पशुपालन की लाइन के अंदर जब पशु की भी किस्मत अच्छी हो और पशुपालक की भी किस्मत अच्छी हो तब जाके इस लाइन में रिजल्ट आता है। यही बात दिखाने के लिए हम आज कुंगड़ गांव के अंदर आए हैं। यहाँ पे सतवीर फौजी हैं, ये फौजी भाई हैं और इनके पास एक विशेष पशु गाय है जो कि काफ़ी अच्छा दूध उत्पन्न देती है और काफ़ी अच्छे बच्चे इन्होंने दिए हैं, तो उसके बारे में आज फौजी साहब से चर्चा करेंगे। तो फौजी साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो फौजी साहब अपनी गाय के बारे में बताइए, कितने समय से आपके पास है, वो कितने बच्चे दे चुकी है और कितना दूध देती है ये? नू जी 10-12 साल हो गए मेरे पास, 8-9 बच्चे इसकी दे चुकी है। एक बच्चा दे के सब बच्चियाँ दी हैं इसने। हाँ 20 प्लस दूध निकालती है जी, निरोगा दूध है, लंबे समय तक दूध देती है जी। ये तो है नहीं कि भाई नज़दीक नाट जे गांव बका दें भाई लोग 3 महीने दे, ये तो लगातार दूध देती है जी, वो छोड़नी पड़ती है। तो आपको ये मान लो कि एक डेढ़ महीने से छोड़नी पड़ेगी दूध पूरा, दुधारू है, दुधारू पशु है जी। देखिए ये बात तो हम तो जानते हैं लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कि देखने से विश्वास करेंगे, इसलिए हमने आपकी गाय दिखाई है जो कि देखने से ही पता ऐसे लगता है कि भाई ये गाय एक्चुअल में दुधारू है, ऑर्डर क्वालिटी, सुंदरता, अच्छी ब्रीड। तो फौजी साहब एक बात और बताइए, गाय रखने के बाद में आपके घर में क्या बताया? घर में जी गाय का कंट्रोल शुद्ध होता है जी, ठीक है, बीमारियों का कंट्रोल कराया गया। कोई भी आदमी आजकल काम तो ज्यादा रहे नहीं, गाय का दूध हल्का होता है मैं से, और ये दूध लाभदायक होता है, शुद्ध हो, इसका तो पेशाब भी शुद्ध हो। देखिए फौजी साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि गाय का दूध शुद्ध होता है, ये इन्होंने अपने घर में इस्तेमाल किया और लाभ उठाया है, वो फायदा इन्होंने आपको बताया है। तो फौजी साहब आपने भैंस भी पाली है, काफी अच्छी अच्छी पाली है, तो भैंस का और गाय का रख रखाव का और दूध देने का कितना अंतर आपने समझा है? गाय का और भैंस का दूध का तो अंतर है जी, काफी अंतर है। गाय भी ये मानो आप भैंस से कम दूध नहीं देती है। हाँ ये तो हमें दिख रहा है, पूंजी के अंदर भी अंतर है, इसकी खुराक के अंदर भी अंतर है कि ये महज दूध जो जिस खुराक में देगी उस खुराक में ये उससे ज्यादा दूध देगी। हाँ, ज्यादा दूध दे देती है, इसका ये फायदा है। बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि देसी गाय लात मारती है, मतलब झुंझुलाट करती है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? ना जी मैंने नहीं देखा है जी, वैसे कोई डर बगैर ज्यादा दूसरी बात है नहीं, गाय बिल्कुल शरीफ होती है, गाय गाय होती है, गौ माँ गौ माई कोई वो बात नहीं है। तो मोदी साहब एक बात और बताइए, काफी लंबा समय हो गया आपको पशु पढ़ते हुए, क्या अनुभव रहा आपने, क्या कितना इनसे आय की और कितना नफा नुकसान हुआ? बहुत सारे नौजवान भाई ऐसे भी हैं जो कि नई डेयरी खोलना चाहते हैं, नए इस धंधे में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? इसमें तो ऐसा है जी, मेरे 4 गाय दूध दे रही है, हाँ इनका तकरीबन दूध यहीं से बिक जाता है, और आधा मान लो दूध का आधा खर्चे के अंदर इनका गुजारा हो जाता है, आधा दूध के मेरा परिवार का गुजारा हो जाता है। हाँ ठीक है, इनसे मेन फायदा तो यह है जी, हर आदमी को मतलब एक गाय रखेगा तो आपके पास में मतलब दूध की कमी कभी होगी नहीं। ये पशु नाटते हैं, महज नाटते हैं, तो ये ध्यान की होती साहब का ये कहना है कि गायें लगातार लंबा दूध दे देती हैं, घर के अंदर दूध की कभी कमी नहीं होती और इनका रख रखाव भी सस्ता है, ये जितने का इनका प्रोडक्शन होता है दूध दही पनीर या कुछ भी बिकता है उससे आधा खर्च खा के ये अपना गुजर बसर कर लेती हैं। तो फौजी साहब आप नौजवान बहुत से भाई हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे?
गाय के बारे में बताइए आप। गाय के बारे में ये है जी कि जिसके घर में गाय होगी कुछ अपने व्यक्ति हिसाब से लगा लो, कुछ बीमारी कम होते हैं, इसका गोबर भी शुद्ध है, इसका पेशाब भी शुद्ध है, ये महस मूत देगी तो ठाण में तो बदबू होगी। गाय का मूत से एक महीने पड़ेगा तो इसके बदबू नहीं आती है गाय का। सबसे शुद्ध तो यही है, इसका दूध शुद्ध है, दूध शुद्ध है। बहुत बढ़िया फौजी साहब ने बात बताई है कि जहाँ पे भी गऊ होगी उस घर का शुद्धिकरण होगा, बीमारियों में अंतर आएगा और इनका खर्च भी बहुत साधारण है। तो फौजी साहब का ये कहना है कि जितने भी भाई हैं भाई एक गऊ तो घर में जरूर पालो, एक गऊ के साथ तो अपनी किस्मत जरूर आजमाओ आप, गऊ माँ धोखा नहीं देगी। तो इसी के साथ दोस्तों राम राम।